हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लूटो द सीरीज के एपिसोड 2 पार्ट 1 की। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि ओन पंग को बताती है कि शायद उसे गर्ल्स पसंद है। अब आगे इधर जब ओन ने पंग को ये सब बताया कि उसके यहाँ ना रहने के बाद क्या क्या हुआ, तो पंग का माउथ खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद पंग खुद को संभालती है और फिर ओन को एडवाइस देने के लिए अपना माउथ ओपन करती है। पंग कहती है, मैं बस 2 हफ्ते के लिए बाहर गई थी और ये सब हो गया। ओ, मैंने तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहा, लेकिन तुम उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हो। ओन, क्या तुम जानती हो कि तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो? पंग की ये बात सुनकर ओन कहती है, हाँ मुझे पता है। ये कहते हुए ओन थोड़ा सीरियस थी, बट वह सोचती है उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है और वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसे किससे इतना गुड फील क्यों हुआ था। इसके बाद वे दोनों पंग के घर पर आ गए। पंग एक एयर होस्टेज है जो ओन के सभी दोस्तों में से सबसे रिच है, हालांकि वह स्कूल में ओन की तरह ही नोटी थी। घर आकर पंग कहती है, ये तुम्हारे लिए कुछ नोवेल है जो मैंने खरीदी थी, क्योंकि ओन सच में बाय करना चाहती थी। हालांकि ओन के पास नोवेल बाय करने के लिए इनफ पैसे नहीं थे, क्योंकि आज की डेट में बुक्स काफ़ी कॉस्टली हैं। इधर ओन बुक लेकर पंग को थैंक यू कहती है। ओन कहती है, अगर वह वो भी होती तो वह आसानी से बुक बाय कर सकती थी। ओन की बात सुनकर पंग कहती है, ओन तुम ओबे का क्रेडिट कार्ड यूज क्यों नहीं करती? वह अभी कोमा में है और तुम उसकी तरह दिखती भी हो, तो तुम ये आसानी से कर सकती हो। पंग की बात सुनकर ओन उसे डांटते हुए कहती है, नहीं। लेकिन ओन फिर से स्माइल करते हुए कहती है, बट ये इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैं आज ही उसके पर्स में उसे ढूंढूंगी। तभी पंग कहती है, तुम मुझसे भी ज़्यादा क्रूअल हो, लेकिन क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? तुम ओबे होने का नाटक कर रही हो, लेकिन लास्ट में तुम दोनों एक ही पर्सन नहीं हो। इधर पंग की ये बात सुनकर ओन कहती है, चिंता मत करो, मैं कुछ भी रॉन्ग नहीं कर रही हूँ और ओबे की गर्लफ्रेंड बहुत पुअर है, क्योंकि वह देख नहीं सकती और वह बहुत अकेली लगती है। इतना कहकर ओन मे के बारे में सोचने लगती है, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। इसके बाद ओन कहती है, मैं उसे जानना चाहती हूँ। ओन की बात सुनकर पंग कहती है, अभी तुम्हें उसके लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन मुझे डर है कि एक दिन आप उसे लाइक करने लगेंगी जैसे तुम उसे अभी करती हो, क्योंकि वह तुम्हें कुछ फील कराती है जो तुम्हारे एक्स लवर नहीं करा पाए। लेकिन तुम बस इसलिए एक्साइटेड हो कि वह एक गर्ल है, लेकिन यह भी हो सकता है कि टाइम के साथ तुम्हें कुछ भी फील ना हो तुम्हारे एक्स लवर की तरह। पंग की बात सुनकर ओन कहती है, अगर बात इस हद तक पहुंच जाती है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती, जैसा ओबे ने मुझसे कहा था। अगर तुम उसे देखोगी तो तुम भी समझ जाओगी। ओन कहती है, मुझे लगता है वह छोटी लड़की बहुत ही अकेली है। ओन की बात सुनकर पंग कहती है, क्या तुम्हें उसकी ज़्यादा केयर नहीं हो रही है? इतना कहकर पंग ओन की तरफ एक्साइटेड होकर देखने लगी। पंग की बात सुनकर ओन कहती है, क्या हमें दूसरे पर्सन की केयर नहीं करनी चाहिए, स्पेशली मैं जैसे पर्सन की? यह सुनकर पंग कहती है, मैं आपकी सिस्टर की लवर, क्या वह रियल में अच्छी है? इसके बाद ओन कहती है, चलो ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि बात बहुत आगे बढ़ गई है तो मैं पीछे हट जाऊंगी, बट मुझे ये पहले क्लियर करना है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि वह गर्ल है या फिर इसलिए क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। इतना सुनकर पंग चुप हो जाती है और ओन की तरफ देखती है, जैसे वह कुछ सोच रही हो। उसकी आंखें तोट से भरी हुई थी जिन्हें ओन रीड नहीं कर सकती थी। तभी पंग कहती है, अब तो मैं भी जानना चाहूँगी। इसके बाद ओन अपने घर पर मॉर्निंग में जल्दी उठती है और अच्छे से ड्रेसअप होती है और मे से मिलने उसके घर जाती है। हालांकि वह भूल गई थी कि मे देख नहीं सकती कि ओन कैसी दिखती है। वह सोचती है, मैंने इतने अच्छे क्लोथ्स क्यों पहने हैं, स्टूपिड। मे के घर पहुंचने के बाद सर्वेंट कहती है, आप इतनी जल्दी आ गई मिस ओबे। इधर सर्वेंट की बात सुनकर ओन कहती है, क्या मे अभी भी उसी रूम में है? ओन की बात सुनकर सर्वेंट कहती है, नहीं, मे अपने बेडरूम में है। इतना कहकर सर्वेंट एक स्माइल देती है और ओन को अंदर जाने के लिए कहती है। जैसे ही सर्वेंट जाने वाली थी तभी ओन उसे रोकते हुए कहती है, आंटी बेडरूम किस तरफ है?
क्योंकि घर बहुत बड़ा है और ओन को जानना था कि बेडरूम कहाँ है। इधर सर्वेंट ये सुनकर ओन को बेडरूम का वे बताती है और मैं उस तरफ चल पड़ती है। रूम में पहुंचकर ओन ने धीरे से डोर पर नोक किया। अंदर से आवाज़ आती है, आप अंदर आ सकते हैं। इधर मैं की आवाज़ सुनकर ओन की हार्ट बीट तेज हो गई। वह धीरे से डोर ओपन करती है और मैं को देखती है। इधर मैं बेड पर बैठी हुई है और म्यूजिक सुन रही है और रूम से जैस्मिन की फ्रेग्रेंट आ रही है जो ओन को अच्छा फील कराती है। ओन कहती है मैं, ये सुनकर मैं कहती है ओबे तुम यहाँ हो, और स्माइल करने लगती है। स्माइल देखकर ओन का हार्ट मेल्ट हो जाता है और इधर मैं ओन को अपने पास बेड पर बैठने के लिए कहती है। इसके बाद मैं कहती है तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो। मैं की बात सुनकर ओन कहती है मुझे लगा कि आप अकेली होंगी, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। ओन की बात सुनकर मैं कहती है नहीं, मैं कुछ टाइम पहले से ही जाग रही हूँ। मैं पूछती है क्या तुम आज मुझे नॉवल पढ़कर सुनाओगी। मैं की ये बात सुनकर ओन स्माइल करते हुए कहती है हाँ ज़रूर। तभी मैं कहती है इंटरेस्टिंग। इसके बाद मैं पूछती है क्या आप बेड पर लेटकर इसे पढ़ सकती हैं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। इतना कहकर मैं अपने बेड के एक साइड की तरफ अपना हाथ करती है और ओन को अपने पास लेटने के लिए कहती है। इधर इससे ओन को थोड़ा वियर्ड फील होता है, लेकिन वह उठकर उसके साइड में जाकर लेट जाती है और दोनों हैप्पीली बातें कर रहे हैं। तभी मैं कहती है ओबे। मैं की बात सुनकर ओन कहती है हाँ। मैं पूछती है क्या तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है। इतना कहकर मैं ओन की नेक को स्मेल करती है। इधर मैं की बात सुनकर ओन कहती है मैं नहीं जानती। ओन की बात सुनकर मैं कहती है ओह ठीक है। इधर ओन सोचती है कि ओबे कौन सा परफ्यूम यूज़ करती है, उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए ओन ने अपना ही परफ्यूम वियर किया था। इतना सोचकर ओन कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं अपना पुराना वाला ही परफ्यूम वियर करूँगी। ओन की बात सुनकर मैं कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है कि यह ऐसा नहीं है कि आप इस तरह के कैंडी परफ्यूम का यूज़ करते हैं, नॉर्मली आप वनीला परफ्यूम ही यूज़ करती हैं, लेकिन ये भी ठीक है। इतना कहकर मैं ओन को ग्रैब करती है और कहती है आप जो भी परफ्यूम वियर करती हैं मुझे वो सब पसंद है। मैं की ये बात सुनकर ओन कहती है ओह ठीक है। इतना कहकर ओन का फेस रेड हो गया और वह एम्बेरिश फील करने लगी, जिसे मैं भी समझ सकती थी। तभी मैं कहती है तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। मैं की बात सुनकर ओन कहती है ओह तो क्या आप इसे सुन सकती हैं। ओन की बात सुनकर मैं कहती है जब मैं देख नहीं सकती तो मेरे और सेंसेस क्लियर काम करते हैं। मैं पूछती है क्या तुम मेरे टच से एक्साइटेड हो। मैं की बात सुनकर ओन कहती है अच्छा हाँ। तभी मैं कहती है यह वैसा ही है जैसा हमने फ्लर्ट करना शुरू किया था, है ना। ये कहते हुए मैं की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी और उसका फेस रेड हो रहा था और इधर ओन भी एक्साइटेड थी। इसके बाद जब वे दोनों बात कर रहे थे तो ओन देखती है कि मैं इधर उधर देख रही है। हालांकि ओन क्लियर नहीं देख सकती कि मैं साय फील कर रही है, लेकिन वह मैं की स्माइल को फील कर सकती है कि वह हैप्पी है। इसके बाद ओन कहती है मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी, चलो इस बुक से शुरू करते हैं बाउंड्री लव। ये सुनकर मैं कहती है क्या ये सोल्जर के बारे में है। मैं की बात सुनकर ओन कहती है शायद। तभी मैं कहती है तो तुमने इसे क्यों बाय किया। मैं की बात सुनकर ओन कहती है क्योंकि ये इस जनरेशन के लिए सूटेबल है। इसके बाद दोनों स्माइल करते हैं और इधर ओन धीरे से पढ़ना स्टार्ट करती है क्योंकि उसे पढ़ना पसंद नहीं है। जब वह पढ़ती है तो उसमें फीलिंग्स नहीं होती और बीच बीच में स्टैमर करती है, लेकिन इसमें मैं कोई शिकायत नहीं करती और ध्यान से ओन को सुनती रहती है जैसे वह ओन को हिम्मत दे रही हो। ओन मैं को सुनाती रहती है। इधर ओन मैं की तरफ देखती है और धीरे से स्माइल करती है। हैरानी की बात यह है कि ओन को लगता है कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल गई है। तभी ओन बुक बंद कर देती है। यह सुनकर मैं पूछती है तुम चुप क्यों हो गए। मैं की बात सुनकर ओन कहती है कुछ नहीं। तभी मैं कहती है नहीं कुछ तो बात होगी। मैं की बात सुनकर ओन कहती है मुझे बस यही लगता है कि हम दोनों बहुत कुछ सिमिलर हैं। इतना सुनकर मैं एग्री होकर नोट करती है और स्माइल करती है। मैं कहती है हाँ हम इतने टाइम से एक साथ हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि हम इतने अच्छे से साथ रहते हैं, ऐसा क्यों। ये सुनकर ओन कहती है हाँ लेकिन क्यों।
इतना कहकर ओन बेड से उठती है तो उसकी हार्ट बीट तेज होती है, लेकिन तभी बुक के नीचे गिरने की आवाज़ आती है और सब कुछ शांत हो जाता है। ओन कहती है, शायद मैंने इसे तोड़ दिया है। इसके बाद ओन कहती है, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। ओन कहती है, चलो कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि शैतान और गुलाम। यह सुनकर मैं कहती है, यह कोई रोमांटिक नॉवल होगा। इतना सुनकर ओन नॉवल के कवर पर देखती है, वह वैसा ही था जैसा मैंने अभी कहा था। यह देखकर ओन अपना फेस टर्न करती है। इसके बाद ओन कहती है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। इतना कहकर ओन स्माइल करती है और उसे पढ़ना स्टार्ट करती है। जब ओन पढ़ते हुए फिजिकल लाइन पर पहुंची, तो वह चुप हो गई। वह उसे वहां से छोड़कर आगे पढ़ती है, लेकिन तभी ओन के हाथों से नोवल नीचे गिर गई और रूम शांत हो गया। ओन ने मे की तरफ देखा, जो बस लेटे हुए अपनी पलकें झपका रही थी, हालांकि वह देख नहीं सकती थी। तभी मे पूछती है, तुमने ये नोवल क्यों बाय की ओबे? मे की बात सुनकर ओन बस स्माइल करती है और कहती है, सच कहूँ तो मैंने इसे बाय नहीं किया है, मैंने इसे एक दोस्त से बोरो किया है। मुझे नहीं पता था कि उसका टेस्ट इतना हॉरेबल है। पहले टॉपिक से ही इसमें फिजिकल की बातें थी। इतना कहकर वे दोनों शांत हो गए। इधर अचानक मैं जोर से हंसने लगती है, जिससे शांति खत्म हो जाती है और ओन भी उसके साथ हंसने लगती है। मैं कहती है, आजकल कोई भी नॉवल लिख सकता है। मैं कहती है, आजकल राइटर ज़्यादा नहीं सोचते। मैं की बात सुनकर ओन स्माइल करते हुए कहती है, अगर राइटर हमारी बातें सुनता तो शायद कहता कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेटर लिख सकते हो तो खुद ही नॉवल लिख लो। इधर मैं कहती है, क्या यह ज़रूरी है कि जो पर्सन बुराई कर रहा हो उसे लिखना भी आना चाहिए? इतना सुनकर ओन ने नॉवल को पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि ओन को इस तरह के नॉवल पढ़ना पसंद नहीं है। इतना कहकर ओन मे के पास जाकर बैठ गई और उसके हाथ को होल्ड करके उसके बैक साइड को रब करती है। मे कहती है, मैंने जो सुना उसके आधार पर आप नॉवल लिख सकते हैं। मे की बात सुनकर ओन कहती है, क्या मैं? यह सुनकर मे कहती है, सच में, क्योंकि जब आपने मेरी तारीफ की थी तो आपके वर्ड्स में जादू था, तो मुझे लगता है कि आपको नॉवल लिखना चाहिए। मे की ये बात सुनकर ओन कहती है, ओह नहीं, मैं पढ़ तो सकती हूँ लेकिन लिखना नहीं। तभी मैं कहती है, आपको ट्राई करना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग होगा। जब आप कुछ न्यू बाय करते हैं तो यह वैसा ही होगा। इधर मैं को देखकर ओन सोचती है कि वह उसके साथ मस्ती कर रही है और उसके हाथों को रब कर रही है, जैसे वह खुद को जानने के लिए एक्साइटेड हो। इसके बाद ओन कहती है, अपना नॉवल लिखना, लेकिन मुझे किस टॉपिक पर लिखना चाहिए? ओन की बात सुनकर मैं कहती है, कोई भी, हॉरर, मिस्ट्री, कॉमेडी, रोमांस, कुछ भी। ये सुनकर ओन हाँ कहती है। मैं कहती है, अब तुम फ्री भी हो, एक बार जब ये पूरा हो जाए तो इसे पब्लिकेशन हाउस भेज देना। अगर यह पब्लिश हो जाती है तो हमारा काम हो जाएगा और जो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि ओन के लिए यह सपने जैसा था, लेकिन इससे उसे खुशी मिलती है। इतना सुनकर ओन कहती है, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। ओन की बात सुनकर मैं कहती है, आप मेरे लिए डेली एक टॉपिक क्यों नहीं लिखते? मैं इसका वेट करूंगी और आपका नॉवल सुनूंगी। इधर मे की बात सुनकर ओन कहती है, शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी। तभी मे कहती है, आप ऐसा क्यों सोचती है? यह सुनकर ओन कहती है, क्योंकि मैंने कभी कुछ भी अचीव नहीं किया है। यह सुनकर मे हैरानी से कहती है, क्या? तभी ओन कहती है, ओह, मेरा मतलब है कि कोई सीरीज, कोई सॉन्ग या कोई नॉवल। ओन कहती है, तुमने मुझे अभी अभी नॉवल को फेंकते हुए देखा है और मुझे डर है कि मैं तुम्हें सैड कर दूंगी। इधर ओन की बात सुनकर मैं कहती है, ऐसा इसलिए है कि तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं कहती है, यदि आपके पास नहीं है तो आपको इसे खुद ही बनाना होगा। इतना कहकर मैं ओन की चिन को होल्ड करती है और ऊपर करती है और रब करती है, जैसे वह कुछ सोच रही हो। इधर ओन मे को देखती है, जो उसे अट्रैक्ट कर रही है। तभी मे कहती है, इसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। यह सुनकर ओन हैरानी से कहती है, क्या? ओन आगे पूछती है, क्या रिवॉर्ड? ओन की बात सुनकर मे कहती है, आपको मोटिवेशन देने के लिए मेरे लिए लिखे गए हर चैप्टर के लिए एक रिवॉर्ड होना चाहिए। तभी यह सुनकर ओन कहती है, इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरा रिवॉर्ड क्या है? इतना कहकर ओन मे को स्माइल करते हुए देखती है। इधर मैंने ओन के फेस को अपने हाथों में होल्ड किया हुआ है और
उसकी आंखों की तरफ देख रही है। तभी मैं ओन के लिप्स पर किस करती है, जिससे ओन हैरान हो जाती है। इसके बाद मैं कहती है, यदि आप हर चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से लिखेंगे तो आपको इनाम के तौर पर मेरी तरफ से एक किस मिलेगा। तो दोस्तों, ये था प्लूटो द सीरीज का एपिसोड 2 पार्ट 1। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में।